तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटोरोला के तरफ से आने वाले एक नए अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जिसका नाम रहेगा मोटो J04S स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन दोस्तों मोटो J04 स्मार्टफोन का अपग्रेड वर्जन होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं कि इस स्मार्टफोन में क्या अपग्रेड देखने को मिलेगा, कैसा स्पेक रहेगा और कौन से प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन आने वाला है और कब तक देखने को मिलेगा लॉन्च होते हुए। सभी चीजों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं मोटो J04S स्मार्टफोन के डिजाइन से। तो दोस्तों इसका डिजाइन सेम देखने को मिलेगा मोटो J04 स्मार्टफोन जैसा, सिंगल ईयर कैमरा सेटअप के साथ में आने वाला है। प्लास्टिक की सपोर्ट दिया जाएगा, प्लास्टिक की बैक रहेगा, प्लास्टिक की फ्रेम रहेगा। और दोस्तों फ्रंट साइड के बारे में बात करते हैं तो पंचोल कैमरा कटआउट देखने को मिलने वाला है और चीन और बेजल वगैरह दोस्तों आपको एवरेज टाइप के देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों डिजाइन के मामले में गुड लुकिंग सा स्मार्टफोन होने वाला है। पंचोल कैमरा कटआउट दिया गया है जो कि लुकिंग वाइज काफी बड़े देखने को मिल जाता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो 6.56 इंच की HD+ की IPS डिस्प्ले दिया जाएगा जो कि दोस्तों 90 हर्ट्ज के साथ में आने वाला है। तो दोस्तों आप इस स्मार्टफोन में स्मूथ स्क्रीनिंग कर पाएंगे और प्रोटेक्शन के लिए कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 दिया जाएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया होने वाला है, पंच होल के साथ में आने वाला है। तो कंटेंट वाचिंग इसमें दोस्तों काफी हद तक एनहांस हो जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़ते और बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस के लिए यूनिसॉक की तरफ से आने वाले प्रोसेसर यूनिसॉक T606 प्रोसेसर दिया जाएगा जो कि 2 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। ये सेम प्रोसेसर को दोस्तों हमने मोटो J04 स्मार्टफोन में देखा है, तो आपको परफॉर्मेंस में कोई भी अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगा। 2.5 लाख के करीब एंटीटू स्कोर को निकाल के देता है। ये प्रोसेसर दोस्तों काफी ज्यादा पॉपुलर प्रोसेसर है, काफी सारे हमने स्मार्टफोन में देखा है। 6000 से लेकर 10000 के प्राइस रेंज में काफी सारे स्मार्टफोन ये प्रोसेसर है, जैसे कि इन्फिनिक्स हॉट 40i, नोकिया G22, टेक्नोपार्क 10 से इन स्मार्टफोन में दोस्तों हमने इस प्रोसेसर को देखा है। बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, डे टू डे टास्क में दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाला है। अगर दोस्तों ये प्रोसेसर हाई एंड यूज के लिए नहीं है और हाई गेमिंग के लिए नहीं है। और दोस्तों रैम ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो 4GB रैम के साथ में 64GB, 8GB रैम के साथ में 128GB स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसके स्टोरेज को आप 1TB तक अपग्रेड कर पाएंगे SD कार्ड के थ्रू। इसमें दोस्तों LPDDR4X रैम टाइप देखने को मिलता है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप। और दोस्तों आगे बढ़ते और बात करते हैं कैमरा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर अपग्रेड देखने को मिलेगा मोटो J04 स्मार्टफोन में। 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया था, तो यहाँ पर दोस्तों 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होने वाला है। हालांकि दोस्तों आपको सिंगल डेल कैमरा देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड में दोस्तों सेम देखने को मिलेगा 5 मेगापिक्सल का। और दोस्तों इसके प्राइमरी कैमरा और सेल्फी कैमरा से 1080p 30fps वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो दोस्तों कैमरा को लेकर एवरेज सा होने वाला है मोटो J04S स्मार्टफोन। तो इसके कैमरा से दोस्तों आप एवरेज क्वालिटी के फोटो और वीडियो वगैरह एक्सेप्ट कर सकते हैं। और फीचर के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो 3.5mm ऑडियो जैक का सपोर्ट रहेगा, NFC का सपोर्ट रहेगा, यूजर टाइप पोर्ट और साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इस स्मार्टफोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी दिया जाएगा, इसे चार्जिंग करने के लिए 15W की फास्ट चार्जिंग। तो दोस्तों बैटरी और चार्जिंग को लेकर बहुत ही बढ़िया होने वाला है, 15W की फास्ट चार्जिंग दिया जाएगा तो बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाएगा। ये स्मार्टफोन दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आने वाला है। मायो देखने को मिल जाएगा जो कि दोस्तों काफी क्लीन रहता है, काफी स्मूथ रहता है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर वाइज बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्लोज टू एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। तो दोस्तों ये थे पूरे के पूरे स्पेक मोटो J04S स्मार्टफोन के। ये स्मार्टफोन दोस्तों हाल फिलहाल में यूरोपियन मार्केट में लॉन्च हुआ है और बहुत ही जल्दी दोस्तों इंडियन मार्केट में आ सकता है। और अगर हम बात करें प्राइसिंग के बारे में तो दोस्तों ये स्मार्टफोन 7000 से लेकर 8000 के बीच में आ सकता है। और इस प्राइस में दोस्तों देखा जाए तो मोटोरोला की तरफ से बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है। बाय द वे दोस्तों आपका क्या कहना है मोटो J04S स्मार्टफोन को लेकर, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।